हमारी जीभ हमें बता सकती है कि हमारे कौन कौन से बड़े बड़े रोग हमारे अंदर पनप रहे हैं और हम बाद में कौन कौन सी बड़ी बीमारियों में जा सकते हैं। आपके पेट में एसिडिटी बनती है, आपके पेट में गैस्ट्राइटिस हो सकती है, अल्सर भी हो सकता है, आपके अंदर आंतों में कहीं न कहीं सूजन आ रही है, इससे डायरिया भी हो सकता है, कोलाइटिस भी हो सकता है, आईबीएस भी हो सकता है। हम अपने जीभ के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बहुत लंबा चौड़ा विज्ञान है। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एन के शर्मा, दावे क्लिन कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारे हर वीडियो में हम आपको ऐसे ऐसे विषय से परिचय करवाते हैं जिसके बारे में हम थोड़े अनजान। हमारा पर्पस है कि आप इस ज्ञान को जानें और आप अपने आप को बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाएं। पर्पस वो एक ही है और आप जीवन भर स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। दोस्तों आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारी जीभ हमें बता सकती है कि हमारे कौन कौन से बड़े बड़े रोग हमारे अंदर पनप रहे हैं और हम बाद में कौन कौन सी बड़ी बीमारियों में जा सकते हैं। इसलिए रोज अपनी जीभ को आप जब देखेंगे तो आपको अनुभव में आएगा कि आपकी जीभ में कोई परिवर्तन आता जा रहा है। दोस्तों वैसे हम हमारे बीमारियों की जांच पड़ताल के लिए हम लोग कई तरह के लेबोरेटरी टेस्ट करवाते हैं, लेकिन लेबोरेटरी टेस्ट जो है वो भी कई बार आपको शायद न बता पाएं। इसीलिए आज मैं ये जीभ के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, क्योंकि लेबोरेटरी में जो ब्लड केमिस्ट्री में जो परिवर्तन आते हैं उसमें आने में कई बार थोड़ा लंबा समय लग जाता है और आपकी जीभ उसके पहले बता चुकी होती है। दोस्तों हमारी जो जीभ है ना, ये हमारा मिरर है, यानी कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल यानी कि पाचन संस्थान का दर्पण है। अगर हमारे पूरे 33 फीट लंबी एलिमेंट्री कैनाल में यानी कि पाचन संस्थान में अगर कहीं पर भी हमारे बॉडी में कोई भी गड़बड़ हो रही होती है ना, तो वो जीभ के माध्यम से आपको पता चल सकती है। देखिए सबसे पहले हमारी नॉर्मल जीभ कैसे होनी चाहिए, ये सबको थोड़ी जानकारी में शायद होगी ही कि नॉर्मल जो हमारी जीभ होती है ना वो पिंक कलर की होती है और वो बिल्कुल क्लियर होती है, ना उसमें कोई छेद होता है, ना उसमें कोई कट होता है, ना उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा कोई कलर आया हुआ होता है। तो इस तरह से, और ये जीभ आपने नोट की होगी कि आपके घर में जो बच्चे हैं उन बच्चों की जीभ आपने जब बचपन में देखी होगी तो वो जीभ आपको पिंक मिली होगी। या आपके घर में अगर कुत्ते बिल्ली हैं या जानवर हैं या और भी कई आप जानवरों को अगर पालते हैं तो उनकी भी जीभ है ना आपको हमेशा पिंक मिलेगी। और पिंक जीभ किसकी मिलती है कि जहाँ अभी बॉडी में कोई टॉक्सिक डिपोजिशन नहीं हुआ है, अभी कोई बीमारी का विकास नहीं हुआ है। और अधिकतर ऐसे जीभ जो है पिंक कलर की ये या तो एनिमल्स में, तो एनिमल के तो सारे किंगडम में मिलेगी, एक एक एनिमल्स को उठा के देख लो सबकी जीभ आपको पिंक मिलेगी जनरली। और दूसरा काम मिलेगी बच्चों में यानी कि छोटे बच्चों में। और तीसरी काम मिलेगी जो लोग हेल्दी लाइफस्टाइल जीकर मैक्सिमम रॉ फूड पे रहते हैं और बहुत अनाज कम खाते हैं या दूध का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं या नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो उनकी जीभ जो है ना अक्सर आपको पिंक मिलेगी। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको रोज जीभ साफ करते वगैरह आपको रोज टन क्लीनर से अपनी जीभ को साफ करना पड़े तो समझना कि आपके बॉडी में गंदगी का जमावड़ा होने जा रहा है। और अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल पे जीते हैं यानी कि आप रॉ ईटर हैं, आप सही आहार खा रहे हैं, तो आपकी जीभ में कभी भी सुबह उठने के बाद में कभी कोई मेलापन होगा ही नहीं आपके। दोस्तों मैं मेरी जीभ आपको बता रहा हूँ तो आप देख करके हैरान हो जाएंगे कि जैसे छोटे बच्चों की जीभ होती है ना वैसे मेरी जीभ होती है। और सिर्फ मेरी ऐसा नहीं है, जो भी दुनिया में रॉ ईटिंग कर रहा है ना, जिसके पेट में कोई ना तो अनवांटेड स्टार्चेस है, ना फैट है, ना कोई मिल्क है, ना कोई डिपोजिशन है, ना कोई गंदगी है, तो फिर इसका मतलब है कि आपकी एलिमेंट्री कैनाल जो है आपकी पूरी जो जो पाइप है पाचन की वो पूरी की पूरी क्लियर है, ये उस बात का पक्का सबूत होता है। तो अब मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी जीभ हम कैसे पहचान करें। देखिए मेरे 45 साल के अभ्यास में
मैंने लाखों मरीजों की जीभ देख ली है, इसलिए एक बहुत बड़ा अनुभव मेरे साथ जुड़ गया है। पहली बात तो मेरे दिमाग में ये बात जरूर थी पहले से ही कि अगर किसी के शरीर में कोई भी परिवर्तन आ रहा है तो उसकी जीभ जो मेरा है वो जरूर कुछ ना कुछ इंडिकेशन देती है। इसलिए मैं उसके हाथ भी देखता हूँ और मैं उसकी जीभ भी देखता हूँ, इन दोनों से मुझे बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है। अब यहाँ पे एक एक करके मैं जीभ के बारे में बता रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे एक बात बताना जरूरी समझता हूँ, मैं कोई आपको 100% पूरा जीभ का विज्ञान नहीं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि कम से कम 100 तरह की जीभ की समस्याएं होती है, 100 तरह के उसमें परिवर्तन आते हैं, पर मैं इतनी लंबी चौड़ी चर्चा यहाँ मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे आपको कोई मेडिकल डॉक्टर नहीं बनाना है, पर मैं मोटी मोटी जानकारी में आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, पहली बात, अगर आपकी जीभ पे आगे के टिप्स के ऊपर अगर आपको थोड़ा लाल लाल नजर आवे, यानी कि बाकी जीभ तो आपकी नॉर्मल है, पिंक है, लेकिन आगे की जीभ में आपको जो टिप्स है, ये टिप के ऊपर अगर आपको छोटा छोटा लाल नजर आवे तो आप समझ लेना कि आपके पेट में एसिडिटी बनती है, आपके पेट में गैस्ट्राइटिस हो सकती है, अल्सर भी हो सकता है। हालांकि गैस अल्सर तो थोड़ा दूर की बात है, लेकिन फिलहाल सूजन जरूर वहाँ पे आ चुकी है, क्योंकि आपके पेट में अगर सूजन है जो कि आपके बगैर भूख के खाने से होती है, या आपके बहुत मसालेदार खाने से होती है, या आप बहुत ज़्यादा कोई चाय कॉफ़ी पी के बहुत पेट को गर्म कर रहे होते हैं, मतलब या आप कोई ऐसे इरिटेटिंग चीज़ खा रहे होते हैं, तो उसके कारण जो है आपकी जीभ आगे से लाल होती है। अब पेट अगर आपका लाल है तो आप खुद ही समझ जाइए कि आप अपने शरीर के साथ क्या अत्याचार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, पहला लक्षण जीभ का ये लाल होना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये अनुभव करते हैं कि जीभ देखने के बाद कि आपके दोनों जीभ के दोनों तरफ, नॉर्मल बीच की जीभ तो पिंक है, लेकिन दोनों तरफ जो है ना दो ऐसी लाइनिंग होती है जीभ के दोनों तरफ, यानी कि अगर मेरी जीभ है एक इस तरफ एक दो छोटी छोटी लाइनें होती है। एक लाइनें का मतलब है थोड़ी सी ऐसे समझो कि एक एम एम की होती है, तो ये जो जीभ होती है वो थोड़ा उसका कलर चेंज होता है। तो कलर चेंज में क्या होता है, वो थोड़ी डार्क पिंकिश होती है। अगर वो डार्क पिंकिश है यानी कि नॉर्मल जीभ से हटकर, तो समझना कि आपके अंदर आंतों में कहीं ना कहीं सूजन आ रही है। जैसे जीभ में आ रही है मैंने बताया ना, वैसे आपके आंतों में, बड़ी आंतों में आपकी सूजन आ रही है, आपकी आंतें ओवर वर्क कर रही है, आप कोई बहुत इरिटेबल चीज खा रहे हो जो जाकर आंतों को परेशान कर रहा है, आप यूँ समझ लें। इससे डायरिया भी हो सकता है, कोलाइटिस भी हो सकता है, IBS भी हो सकता है। तो उनकी जीभ में हमेशा ये दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा हल्का सा डार्क पिंकिश होगा। अगर वो ज़्यादा लाल हो गया है तो समझना कि फिर तो आपका बहुत गहरा प्रॉब्लम क्रॉनिक हो चुका है, इस्टेब्लिश हो चुका है, और वो आपके आंतों से संबंधित है, ये आपको मानकर चलना है। और अगर वो आपके दोनों साइड की जो लाइनिंग है अगर वो थोड़ी सी ब्लूश हो रही है या ब्लैक हो रही है, तो समझना आपकी आंतों में टॉक्सिक डिपोजिशन हो चुके हैं और आपके वहाँ पे कोई प्रकार का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, ये मेरे अनुभव बता रहा हूँ जो मैंने लाखों मरीजों के ऊपर प्रयोग करके इस बात को सिद्ध किया है, ठीक है। और तो इस तरह से ये जीभ के जो दो कॉर्नर्स है ना, इनको जब आप देखेंगे तो आपको आंतों के संबंध में बहुत कुछ जानकारी मिल सकती है। अच्छा, अब जीभ के बीच में क्या होता है कि एक सीधी एक ऐसी लाइन आती है कि जैसे जीभ को बीच में से किसी ने कट कर दिया हो और वहाँ पे एक लाइन आ चुकी होती है। अगर जीभ के बीच में अगर आपके एक लाइन है, जैसे किसी ने काट दिया हो, जैसे किसी ने चाकू से, तो समझ लेना कि आपका नर्वस सिस्टम ओवर स्ट्रेन होकर, यानी कि आपकी जो छोटी आते हैं वो आपकी जो है ओवर स्ट्रेन होकर, ओवर यूज होकर, अब वो कमज़ोर हो चुकी है और ब्रेक डाउन हो चुकी है। तो अब आपके पेट में स्टार्चेस और प्रोटीन्स और फैट ये अच्छी तरह से अब डाइजेस्ट नहीं होंगे, इसीलिए अब आप अगर पहले की तरह आप अगर सोचते कि मैं नॉर्मली खाना खाता रहूँगा, तो फिर वो आपके शरीर में जाकर सड़ेगा, क्योंकि पूरा पाचन तो होगा नहीं, क्योंकि आपकी छोटी आंतें अब उतनी पहले की तरह मजबूत और सक्रिय नहीं है। तो फिर वो सड़ा हुआ आहार जो है जाकर आपके पेट में, आंतों में कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा और बड़ी बड़ी बीमारियों में आपको डालेगा। अक्सर
जो लोग बड़ी बड़ी बीमारियां लेकर आते हैं ना, मैं उनकी जीभ में ऐसा एक बीच में जो है कट मैं जरूर देखता हूँ। अच्छा, अब अगर आपकी जीभ जो है अगर सफेद कलर की है, तो सफेद कलर का मतलब है कि आप या तो दूध की चीजों का यानी कि दूध, लस्सी, पनीर चीज का काफी उपयोग कर रहे हैं, और दूध का जो म्यूकस होता है, जो बलगम, वो जाकर आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं जो है जमा हो रहा है, आपके सेल्स और आपके जो खून की नलियां है वो ब्लॉक हो रही है, इसीलिए वहां पर जो म्यूकस का जो डिपोजिशंस हैं वो सारा का सारा आपके जीभ के थ्रू जो है आपको बताया जा रहा है कि भाई आप अपने इंटरनल सिस्टम को ब्लॉक करते जा रहे हो। और तो इसका मतलब है कि आपको दूध भी छोड़ना पड़ेगा अगर जीभ वाइट है आपकी, और आपको स्टार्चेस भी छोड़ने पड़ेंगे। जब आप मैदा ज़्यादा खाते हैं, यानी कि मैदा ज़्यादा खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, और या मैगी खाते हैं या पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं, तो उनके भी स्टार्ची फूड के कारण भी वो आपकी जीभ जो है वाइट हो सकती है। इसीलिए वाइट जीभ आपको सूचना दे रही है कि आपकी बॉडी पे वो जाती हो रही है और वो आपकी बॉडी में डिपॉजिट होकर परेश आपकी बॉडी को ब्लॉक कर रही है। तो ये कम से कम आपको सूचना मिल गई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जिन लोगों की जीभ थोड़ी पीली पीली होती है ना, यानी कि थोड़े थोड़े पीले पीले से कलर उस पर छाए हुए होते हैं जीभ के ऊपर, तो समझ लेना कि उसका पित्त बिगड़ा हुआ है, वो ओवर बाइल सिक्रेशन हो रहे हैं, वो बहुत चटपटा उत्तेजक खाना जो है वो खा रहे हैं, चाय ज़्यादा पी रहे हैं, हैवी फैट वाली चीज़ें खा रहे हैं, फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, सिगरेट तम्बाकू ले रहे हैं, कुछ भी यानी तो ऐसी कोई चीज़ें जो जाकर लीवर को ओवर स्टिमुलेट कर रही है, उसके कारण पित्त जो है वो हमारे बॉडी में बढ़ा हुआ है, वो जीभ आपको उसकी सूचना दे रही होती है, ठीक है। अब कई लोगों की जो जीभ है ना, आप अनुभव करेंगे कि उस पर थोड़ी सी ब्लूइश कलर की हो चुकी होती है, यानी कि उनकी जीभ थोड़ी ब्लू कलर की होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके कई अंगों में इतनी सीवियर डिपोजिशन और ब्लॉकेजेस आ चुकी है कि वहाँ पर सर्कुलेशन की कमी होती जा रही है, और सर्कुलेशन की कमी के कारण, आदान प्रदान ना होने के कारण, वहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है, यानी कि आपके सारे बॉडी के अंगों में टॉक्सिक डिपोजिशन बढ़ चुका है, ऑक्सीजन थोड़ा कम हो चुका है, और अब आपको आगे आने वाले समय में कोई भी गंभीर बड़ी बीमारी आपको आ सकती है। तो इसलिए अगर इस प्रकार की अगर आपकी जीभ है, तुरंत अपने लाइफस्टाइल को ठीक करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार अगर आप बड़ी बीमारी में चले गए ना, तो फिर इलाज करके ठीक करने में आपको कई महीने और साल लग सकते हैं, क्योंकि पूरे सिस्टम की गड़बड़ी को ये इंडिकेट कर रही है। और दोस्तों, कई लोगों की जीभ है ना ब्लैक हो जाती है। ब्लैक का मतलब है सीवियर टॉक्सिक डिपोजिट। ब्लैक का मतलब क्या भाई, सर्टन बॉडी के पार्ट्स में वहाँ पे गंदगी ज़्यादा जमा हो चुकी है, और वहाँ पे सर्कुलेशन और वहाँ पे कोई ऑक्सीजन पहुँच नहीं रहा है, तो ये ब्लू का थोड़ा एडवांसमेंट रूप है, तो फिर और ज़्यादा खतरनाक स्थिति को शो करता है। जीभ में कहीं पर भी ब्लैक नहीं आना चाहिए। कई बार क्या होता है, आपकी जीभ में ना कई जगह पर छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स भी होते हैं, तो अगर वो ब्लैक स्पॉट्स हैं, तो यहाँ पर मैं एक चित्र आपको बता रहा हूँ जिसमें हमारी जीभ रिप्रेजेंट करती है सर्टन ऑर्गन्स को। तो इसका मतलब है कि आपके उस पर्टिकुलर ऑर्गन में एक सीवियर ब्लॉकेजेस, आपके सर्कुलेशन कम हो रहा है, और वो टॉक्सिक होकर आदि तो कल वो डैमेजिंग की तरफ जा सकती है। तो इस तरह से हमारी जीभ में ये बहुत सारे जो परिवर्तन आ रहे होते हैं ना, ये हमें सूचना दे रहे होते हैं। दोस्तों, मैं तो चूंकि 45 साल से कैंसर पे काम करता रहा हूँ, और कैंसर के मरीजों की प्राइमरी स्थिति से लेकर अंतिम टर्मिनल स्थिति को भी मैं देखता रहा हूँ, मैंने एक बात अनुभव की है कि जितने भी बड़े बड़े महारोग हैं ना, जिसमें ठीक होने की संभावना बहुत कमज़ोर होती है या नहीं होती है, तो मैं उनकी जीभ देखकर मुझे अंदाज़ा लग जाता है कि ये व्यक्ति आगे सर्वाइव करेगा या ठीक होगा कि नहीं होगा। तो जनरली वो कैंसर के मरीज जो मेरे पास में आते हैं, या बड़ी बड़ी बीमारियों वाले लोग मेरे पास जो आते हैं, उनकी जीभ में जब देखता हूँ कि बहुत एकदम लाल हो चुकी होती है, तो मैं समझ जाता हूँ कि उसका पूरा सिस्टम इन्फ्लेम्ड कंडीशन में जा चुका है, सारा शरीर अब जो है एक प्रकार से अंतिम फाइट जो बोलते हैं ना, लड़ाई कर रहा है, तो अब उसमें जीतने की संभावना बहुत कमज़ोर है, क्योंकि सारा हमारा रोग प्रतिरोधक जो विभाग है वो पूरी तरह जैसे कहते हैं ना कि आखिरी बचाव करने के लिए कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये होता है।
और कई लोगों की जेब आपने देखी होगी दोस्तों के बहुत चिकनी चिकनी सी होती है, स्मूथ सी होती है, तो ऐसी जीभ का मतलब है कि उनका पाचन अवशोषण अब्सॉर्प्शन कमजोर हो गया है, तो उसका हीमोग्लोबिन जो है वो डाउन है और वो जो खा रहे हैं वो उनके शरीर को अच्छी तरह मिल नहीं रहा है, तो इसीलिए उनको एक्सरसाइज करके या अपनी भूख से खाना खाकर और हेल्दी खाना खाकर उनको अपने इस डाइजेशन को अब्सॉर्प्शन को बढ़ाना चाहिए, यानी कि प्रॉपर रेस्ट लेकर रिलैक्सेशन करके भी, जिससे कि उनका पाचन हो, तब जाके उनकी जीभ जो चिकनाहट है, जो एक चिकनी चिकनी सी और थोड़ी सी कम पिंकिश भी नज़र आ रही है, तो समझना कि ऐसे लोगों को हेल्थ का तुरंत ख्याल करना ज़रूरी है। और इसके अलावा दोस्तों कई लोगों की जो जीभ है ना उसमें कई बार वायलेट कलर की हो जाती है, बैंगनी कलर की, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में कोई पॉइजनिंग चली गई है या आपको कोई पॉइजनिंग हो रही है। अब वो हो सकता है सांप काटने से, बिच्छू काटने से, वो तो संभावना थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन कई प्रकार के पॉइजनस दवाएं खाने से भी आपके साथ में ऐसा हो सकता है। कई लोग एंटीबायोटिक्स भी बहुत खाते हैं ना दोस्तों, तो उनकी भी जीभ जो है ना सारे पाचन रस एंजाइम्स उसके जब कमज़ोर हो जाते हैं तो खाना जाकर पेट में सड़कर बहुत सीवियर ब्लॉकेज करता है, उसके कारण भी इस तरह की उनकी जीभ बन जाती है। तो ये जीभ के ना दोस्तों मैंने बहुत सारे आपको कारण बताए गए। दोस्तों अगर आपकी जीभ में आपको ड्राइनेस महसूस होती है, इसका मतलब है कि आप अपने शरीर में कहीं ना कहीं पानी की कमी रख रहे हैं, यानी कि आप बहुत कम पानी पीते हैं और आपके अंग पानी की ज़्यादा मांग करा रहे हैं, तो आप ऐसा खाना खा रहे हैं जो ज़्यादा पानी की मांग करवाता है। ये बात कभी भी ध्यान रखना ना, जो आहार जितना ज़्यादा पानी की मांग करवाता है ना वो उतना ही ज़्यादा आपको बाद में बीमारी में डालेगा। देखिए वास्तव में हमें ऐसा आहार खाना ही नहीं चाहिए जो ज़्यादा पानी की मांग करवाएं। देखिए अगर आप फल खाते हैं, नट्स खाते हैं, स्प्राउट्स खाते हैं, सलाद खाते हैं, सिंपल वेजिटेबल खाते हैं या पानी में उबले हुए अन्न खाते हैं या दाल खाते हैं, तो आपको अनुभव में आएगा कि आपको पानी की जरूरत बहुत कम पड़ती है। याद रखना जो खाना या भोजन कम पानी की मांग करें वो भोजन आपके लिए ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक है, ये चाबी हमेशा ध्यान में रख लेना। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने जीभ के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बहुत लंबा चौड़ा विज्ञान है, मैं यहाँ पे ना वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, पर हाँ छोटी छोटी बातों से आप जीभ की पहचान कर सकते हैं। आप अपनी जीभ को अगर चारों तरफ बड़े आराम से अच्छी तरह घुमा पा रहे हैं ना तो समझना आप थोड़े नॉर्मल है। अगर आपको लगता है कि नहीं कहीं थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, कहीं टाइट लग रही है या थोड़ी कम घूम पा रही है, तो समझना आपकी बॉडी में कहीं कहीं कंजेशन डेवलपमेंट हो रहा है। तो दोस्तों जीभ के माध्यम से ना बहुत कुछ जाना जा सकता है। मैं चाहे तो उसके ऊपर एक घंटा वीडियो बना दूं, पर मैं खैर इतना लंबा वीडियो बनाकर आपको बोर नहीं करना चाहूँगा। तो आशा है आपको थोड़ी मेरी बात समझ में आ गई होगी, और मैं यहाँ पे जाते ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जीभ में कभी भी कोई कलर चेंजिंग ना हो, कलर तो चेंजिंग ऑरेंज, येलो, ब्लू, वायलेट, ब्लैक, एक्ने, डार्क पिंक ने, रेडिश ने, इतनी तरह के कलर चेंज होते हैं, ये व्हाइटिश वगैरह, लेकिन ऐसी कोई भी कलरिंग आपके जीभ पे नहीं आना है आपको, तो फिर भूख से खाइए, आदत और साइकोलॉजिकल नहीं, कॉम्बिनेशन सिंपल रखिए और होलसम खाना खाइए जो प्राणवान है, जो आग और मशीनों से ज़्यादा बर्बाद ना हुआ हो। दोस्तों जितना ज़्यादा नेचुरल रॉ फूड पे रहोगे ना आपकी जीभ भी एनिमल की तरह, बच्चों की तरह, आपकी जीभ भी बहुत एकदम पिंक रहेगी और आपको जीवन भर हमेशा स्वस्थ रखेगी। तो दोस्तों मैं आपको और आपके परिवार के स्वास्थ्य की शुभकामना देते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं फिर आऊँगा अगले वीडियो में ऐसा ही कोई एक इंटरेस्टिंग विषय लेकर, तब तक इंतजार करते रहिए। दोस्तों आप तो यह चित्र जानते हैं, मैं कभी किसी वीडियो में ये नहीं कहता सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये करो, वो करो। दोस्तों अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो उसको सुन लेना, अपने आसपास के लोगों को पहुंचा देना, और आपको लगता है कि नहीं ठीक नहीं है तो भैया मत पहुंचाना। तो मैं इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं पड़ता, मैं चाहता हूं कि मेरे ज्ञान से नेचुरल वे में प्रवाह हो और नेचुरल लोगों को जो है मेरे पास। चलिए मुलाकात करूँगा अपने वीडियो में।